नमस्कार दोस्तों, बुंदेला डायरी के अगले पड़ाव में आ चुके हैं हम लोग। कलिंजर कालांजर का एक अपभ्रंश है। कालांजर का मतलब होता है मृत्यु को नष्ट करने वाला, तो यहाँ शिव के नाम से इस जगह का नाम कलिंजर पड़ा। और इस कलिंजर किले का निर्माण 978 ईस्वी में इसका निर्माण चंद्र वर्मन ने करवाया। इस किले को बहुत सारे आक्रमणों का सामना करना पड़ा। सन 1545 में शेर शाह सूरी ने इस किले पर विजय प्राप्त की, लेकिन उनके इस अभियान के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात यह किला अकबर और शाहजहाँ के शासनकाल में उनके अधीन रहा, और औरंगजेब के टाइम पे इसको महाराजा सत्यसाल ने युद्ध करके विजय हासिल की इस किले पर। इस किले की सुरक्षा के लिए 7 गेट बनाए गए हैं और मुख्य द्वार जो है वो कलिंजर ग्राम से होकर आता है। बुंदेलखंड के ऐतिहासिक किले कलिंजर को कालजयी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्री हिस्टोरिक काल के पत्थर भी यहाँ पर मिल चुके हैं और इस किले का जिक्र कई पुराणों में भी किया जाता है। यहाँ सबसे अधिक शासन चंदेल राजाओं का रहा, जो करीब 600 साल तक रहा। साथ ही साथ यहाँ पर अति भव्य तालाबों और राजे महलों का निर्माण किया गया, जिसमें से राजा रानी महल बहुत ही प्रमुख है, जिसमें आप शानदार स्थापत्य कला को देख सकते हैं। जैसे हम लोग किले के पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देती है बाघिन नदी। बाघिन यमुना की सहायक नदी है और वहीं से दिखाई देता है इस कलिंजर नगर का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। और इस कलिंजर दुर्ग के प्रांगण पर स्थित है नीलकंठ मंदिर, जिसका एक विशेष महत्व है, पौराणिक महत्व भी है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट विष निकला तो उस विष का पान करने के पश्चात भगवान शिव ने इसी जगह पर आके आराम किया था और काल को मात दी थी, इसलिए इस जगह का नाम कलिंजर पड़ गया। इस मंदिर का निर्माण नागों ने करवाया था। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इसमें कई देवी देवता, कई साधु साधकों को चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं, जो तंत्र साधना में लीन हुए करते हुए दिखाई देते हैं। चंदेलों ने इस मंदिर के बाहर अति सुंदर पिलरों को मिलाकर एक मंदिर का निर्माण भी कराया था। कुछ समय पहले यहाँ कई प्राचीन शिलालेख मिले। इन शिलालेखों में बताया गया कि करीब 15वीं शताब्दी में शेर शाही की मृत्यु के बाद उनके बेटे इस्लाम शाही की दिल्ली के सिंहासन पर विधिवत ताजपोशी हुई थी। इसके बाद इस किले के अंदर बने कोटी तीर्थ परिसर के मंदिरों को तोड़कर उनके सुंदर नक्काशीदार स्तंभों को मस्जिद बनाए जाने में इस्तेमाल किया गया था। नीलकंठ मंदिर के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है और इस शिवलिंग से गले से हमेशा पानी रिसता रहता है। नीलकंठ मंदिर के बगल में ही काल भैरव की प्रतिमा है और उसी के ऊपर चट्टान को काटकर एक जलाशय बनाया गया है, जिसे यहाँ के लोग स्वर्गवाय या स्वर्गरोहण तालाब के नाम से भी जानते हैं। और कहा जाता है इसी जलाशय में स्नान करके कीर्ति वर्मन का कुछ रोग खत्म हुआ था, और यह जलाशय पूरी तरह चट्टानों से ढका हुआ है। इस किले और मंदिर में भ्रमण करते करते संध्या का समय हो चुका था और हम लोगों ने यहाँ पर देखी नीलकंठ जी की आरती, तो आप भी इसका आनंद लीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी आपसे खजुराहो में। धन्यवाद।